नमस्कार दोस्तों, आपके एम के मंजीत के आपको प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, हर बार की तरह इस बार भी आपका एम के मंजीत एक ऐसे विषय रूप में एक ऐसी चीज़ आपके सामने सर्व करने वाला हूँ जिसको देखने सुनने समझने के बाद आपके मुंह से ये जरूर निकल सकता है शायद जो कहा सत्य कहा, सत्य के अलावा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन कहते हैं ना, जीवन है जीवन पलटाना और पलटवाना दोनों ही जानता है। हर आज का मेरा टॉपिक है आस और उम्मीद। लेकिन उसके पहले मेरा स्लोगन है कि जीवन की सत्यता के सत्य के भार को आप अगर देखना सुनना पसंद नहीं करते तो ये वीडियो आपके लिए कतई नहीं है। दोस्तों, कहते हैं मेरा और आपका जीवन बहुत ही बिरला है। हम केवल और केवल उम्मीद और आस के भरोसे ही जीवन को जीना आधारित करते हैं। सत्य है क्योंकि जीवन है तो आस है, आस है तो उम्मीद है, उम्मीद है तो जीवन है। तीनों सिलसिलेवार तरीके से गुथे हुए हैं। कहते हैं ज्ञान वाली संज्ञा क्या होती है दोस्तों? इंसानी परिकल्पना की सोच, आदत, विचार, बोलना, खाना पीना, हर एक चीज एक आस और उम्मीद पर ही टिकी होती है। यही तो मेरा और आपका जीवन है। जैसे कि मैं और आप सभी लोग आस और उम्मीद पर ही तो जी रहे हैं कि आज बुरा है तो कल अच्छा होगा। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ तो हम जीवन को जी रहे हैं और ये सत्य है, ये होना ही चाहिए। दुकानदार क्या करता है? पैसा कमाने की उम्मीद करता है। बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेस को बढ़ाने की उम्मीद करता है। पैसा वाला और पैसा कमाने की उम्मीद करता है। गरीब धनवान बनने की उम्मीद करता है और स्टूडेंट पास होने की उम्मीद करता है और माँ बाप बच्चे से उम्मीद करते हैं कि काबिल बन जाए। सत्य यही ना, हर एक जगह पर हर एक इंसान के साथ एक एक करके कितनी सारी उम्मीदें खड़ी होती जा रही है। दायरा वही है, चीज वही है, लेकिन सवाल मेरा केवल केवल एक ही है। जगह जगह पर एक ही चीज, हर एक जगह पर एक चीज है उम्मीद। पर मेरा सवाल यह है कि आपसे प्रभु जी, ये पूरी होगी कैसे? कौन करेगा, कहाँ करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, कितनी करेगा? आपकी और मेरी उम्मीदों को कैसे पूरा करेगा? जुड़ी तो है लेकिन ये कमाल दिखाने वाली चीज है, पूरा होगी कैसे? कहते हैं एक जैसे रिश्तों में घरों के रिश्ते होते हैं, घर में एक 6 मेंबर होते हैं, 6 के 6 मेंबर से एक दूसरे की उम्मीद एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, गुथी होती है। सत्य है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि जब कभी भी ये 6 के 6 मेंबर दुनिया में, समाज में, रूटी में, ऑफिस में, कहीं भी दुनिया के कहीं पर भी ये विद्यमान होते हैं या जाते हैं, इनकी खासियत मैं बताता हूँ कि आप पल दो पल की दोस्ती में, पल दो पल की निगाह में, पल दो पल के ज्ञान में दूसरे से भी उम्मीद लगा लेते हैं। सत्य कह रहा हूं ना, जब परिचित हो, अपरिचित हो, जाना हो, अनजाना हो, लेकिन जब कभी भी देखा जाता, सुना जाता या केवल केवल बात भी सुन लेते हैं, हमारी उम्मीद तत्काल उससे कनेक्ट हो जाती है, उम्मीद लग ही जाती है और लगाना ही पड़ता है। जाने अनजाने में रिश्तों के बाहर के निकल के देखिए, ये सत्य कह रहा हूं, ये लोगों तक पहुंच जाती है, घर का दायरा क्रॉस कर जाती है। काफी ये नहीं होता दोस्तों कि आप जानते हो नहीं जानते हो, उम्मीद और आस आपकी है। हमको हर किसी में दिखती है, हमको हर किसी में देखना पसंद होती है। जैसे आप किसी में देखते हो, आप में भी कोई देख सकता है। अधिकतर जो मैंने देखा है, सुना है, जाना है, परखा है, जीवन कठिन और सरल दोनों ही होता है, लेकिन हम अपनी उम्मीदों का ठेका, हम अपनी आजू का ठेका दूसरे के सर पे देने का प्रयास करते हैं। सर चढ़ के बोलते हैं, उनके सर पे चढ़ जाते हैं, जिसका दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं होता। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? उम्मीद और आस का ठेकरा हम दूसरों के सर पे बांधने का प्रयास करते हैं, जबकि उनका दूर दूर तक इससे कोई लेना देना नहीं होता, फिर भी हम देने का प्रयास करते हैं। जैसे भगवान की बात करें, दुनिया सामाजिक परिवेश में तो ठीक है, भगवान से भी आस और उम्मीद लगा के बैठते हैं, हर एक इंसान लगा के बैठता, नहीं होता तो दोषारोपण उसी के ठीकरे पे पड़ते हैं। लेकिन क्या होता है, कहते हैं जब कभी भी उसके दरवाजे पर हम जाते हैं आस और उम्मीद और विश्वास के साथ, सत्य है, यास की नगरी बसाकर, यास का ठीकरा लेकर हम जाते हैं और भगवान के सामने अड़ के बैठ जाते हैं और क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तू मुझे कुछ दे तो मैं कुछ करूं। बड़े ध्यान से, तू मुझे कुछ दे तो मैं कुछ करूं। और ईश्वर क्या बोलता है, तू कुछ करे तो मैं तुझे दूं। दोनों की कहानी का पेच वहीं पे लड़ा हुआ है, कहानी वहीं फंसी हुई है, कुछ नहीं है। भगवान से भी बोलने का तरीका, अरे अब तो दे दे यार, अरे कैसा कर रहा, दिखता नहीं, सुनता नहीं, समझता नहीं, भाई क्या कर रहा, दे तो दे, भैया आप क्या कर रहे हैं, ये सोचिए पेच आपने कहाँ पे लड़ाया हुआ। जीवन का सार, जीवन का आधार आपका और मेरी उम्मीदों का है।
उम्मीद है तो दुनिया है, दुनिया है तो समाज है, समाज है तो लोग है तो ये संसार है, ये संसार है तो ये आप है, ये सत्य है। आस नहीं होगी जीवन नहीं होगा, उम्मीद नहीं होगी जीवन नहीं होगा। लेकिन इस चादर को आदमी इतनी विशाल कर लिया, हर एक इंसान इस चादर को ओढ़े हुए या तो हाथ भिक्षुक के रूप में फैलाया है, याचक के रूप में फैलाया है, या हक से फैलाया है। पूरी किसको करना है, कैसे करना है, ये ऊपर वाला जानता है। उम्मीद और आस होना जरूरी है, अच्छी है जिंदगी है तो सब कुछ है, लेकिन गलत दायरे में नहीं। अनुचित पूर्ण चीज कोई भी पूरी नहीं होती, ध्यान रखिएगा। यही टॉपिक, यही विषय होते हैं। जैसे कहते हैं ना, घरों के बर्तन अगर पुराने हो जाते हैं तो उनको हम कलई करते हैं, कलई करने के बाद वो नए हो जाते हैं। ऐसे ही आपका एम के मंजीत पुराने शब्दों को कलई कर सामने रखने का प्रयास करता हूँ विषय रूप में। ये नए हैं, इनको देखने समझने का प्रयास कीजिए। अगर ये बात पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके एम के मंजीत का प्यार भरा नमस्कार।